गेंदबाजी करने के लिए आएंगे अलंकार। तो अंपायर से विनती रहेगी, अंपायर जी 4:09 बोले 20 मिनट में ये मुकाबला होना चाहिए क्योंकि और 4 मुकाबले यहां पर बाकी है। तो अंपायर का स्टार्ट यानी कि मैच की शुरुआत यहां पर घोषणा की गई अंपायर सत्यम भोयर द्वारा। एक हुनर अंपायर है, खिलाड़ी है, ज्यादातर ओपन टूर्नामेंट खेलते हैं, वही सत्यम भोयर स्ट्राइक अंपायर रहेंगे। और ये जो नष्ट एक अंपायर है रवि जी, इन्होंने बहुत मेहनत ली है मैदान के ऊपर, जो विकेट है वो उन्होंने बनाई है। 10 दिन पैदल गए थे साईं बाबा डिंडी में, शिरडी जाकर आने के बाद ये विकेट उन्होंने यहां पर बनाई है। चलते हैं मैदान में अलंकार। पहली गेंद और पिच थी, स्टेयर करने का प्रयास किया लेकिन उछाल नहीं लिए गेंद ने और चली गई कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल की समाप्ति यहां पर। अलंकार द्वारा पहले गेंद पर चकमा खा चुके हैं गेंदबाज बल्लेबाज भावेश। दूसरी गेंद वही तो लाइन और दिशा, लेकिन अंपायर ने परखा और कहा ये ऑफ स्टंप से थोड़ी ज्यादा बाहर गेंद थी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का नियम 25वां यहां पर लागू करते हुए अंपायर सत्यम भोयर व्हाइट करार दिए, अतिरिक्त रन से खाता खोला गया। माहुल टीम का यजमान टीम है यहां पर, मुंबई से बिलोंग करती हुई आई है, चेंबूर के आसपास रहने वाले माहुल गांव के खिलाड़ी और एक गवान पनवेल तहसील से बिलोंग करती है ये टीम। अलंकार बढ़िया रन ऑफ है उनका, पटकी हुई गेंद थी उसी दिशा में फिर एक बार उछाल नहीं लिया। क्या खूब गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर गेंदबाजी करते हैं, उछाल नहीं दे पा रहे, कोई मौका नहीं बन रहा है बल्लेबाज भावेश के पास। भावेश शायद बड़ा हिट लगाना चाहते हैं लेकिन 3 गेंदे डॉट खेली यहां पर उन्होंने, एक अतिरिक्त रन आया है। या क्या स्ट्रोक लगाया, अच्छा गेंद था, ब्लॉक होल की गेंद थी, देखा परखा बैकफुट पे आए, फाइन लेग में फ्लिक किया और गई गेंद सीमा रेखा बाहर, 4 रन। धन्यवाद डीजे तत्पूर्वी आमच्या समालोचन कक्षामध्ये फुंडेगावचे माजी उपसरपंच राजेंद्र ठाकूर यांचं आगमन झालंय, येणाऱ्या प्रत्येक पाहुण्यांचं स्वागत करणं हे आमचं आद्य कर्तव्य आहे। धीरण मात्र यांना विनंती करतोय की आपण त्यांना सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ व मायाशी शाल देऊन आपण सन्मानित करायचं आहे। राजेंद्र ठाकूर पुन्हा एकदा खराब चेंडू, राजेंद्र ठाकूर यांचं स्वागत होताना धीरण मात्र यांच्या शुभ असते। तो दूसरी वाइट इस ओर से आती हुई अलंकार के, क्या खूब स्ट्रोक लगाया था पिछले बॉल पर, बैक फुट गए, जगह बनाई, फाइन के दिशा में खेला चौवा, फिर एक बार अलंकार। ये उठाया बैक टू द बॉलर थे, कीपर आया गेंद को और ये लपका भावेश को किया आउट। दुसरे माननीय प्रमुख जी उमेश घरत आलेले आहेत, त्यांचं सुद्धा मी धीरेन हंटर यांना विनंती करतोय की आपण त्यांचं स्वागत करायचं आहे, मायची शाल व प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ द्यायचं आहे।
तर नवीन फलंदाज आलाय भारत आए बल्लेबाजी के लिए। भावेश चार रन बनाकर आउट हो चुके हैं और ये अलंकार जिन्होंने दो व्हाइट गेंद कराई थी यानी कि आठ गेंद का अभी इन्हें और करेंगे। छी गेंद थी, क्या खूब गेंदबाजी कर रहे लाइन, देखिए इनकी टप्पा खाने के बाद उछल नहीं ले पाए थे ये गेंद और ये डॉट बॉल की समय अच्छी गेंदबाजी। एक चौवा आया उनके गेंदबाजी के ऊपर भावेश द्वारा, साइन के दिशा में खेला था चौवा लेकिन फिर भी रन बने हैं छह, चार चौवा आया था और दो वाइट यानी कि छह ही रन बने हैं। आगे आया स्ट्रेयर किया लॉन्ग ऑन में आती हुई गेंद, फील्डर तैनात है, क्या किया फील्डर ने, किया मिस फील्ड, एक सेकंड में चुराया एक रन ओवर की समाप्ति। आठ रन बने इस ओवर से, एक विकेट भावेश आया बैक टू पैवेलियन। एक और व्हाइट की डिलीवरी यहां पर अथर्वा द्वारा, नौ रन बने अथर्वा गेंदबाजी के लिए आए हैं। अच्छी गेंद काउ कॉर्नर के रिदम में जाती हुई, फील्ड किया गया वहां पर, क्या असर दिखाया इस फील्डर ने, दो रन बचाए अपने टीम के लिए, स्कोर बना है 11 रन। गेंदबाजी यहां पर माहौल विपक्ष गवान में चलता हुआ यह मुकाबला, गेंदबाजी कर रहे गवान टीम से, आथर व स्ट्राइक एंड पर रहेंगे बल्लेबाज। ये क्या बढ़िया सिक्स, वाह भाई वाह, लाजवाब बल्लेबाजी। अनुवाद डीजे क्या देखा, देखा बल्लेबाज ने, शॉर्ट पिच गेंद थी, जगह बनाई, फाइन के दिशा में खेला, दमदार स्ट्रोक, यहां से आए छह रन। इस ओवर के बाद पानी की दरकार की गई है ग्राउंड में, आयोजककर्ता से विनती रहेगी कि पानी की पूर्ति कीजिए मैदान में। एक बार गेंदबाज तैयार आथर हुआ, उसी प्रकार गेंद थी, देखा थर्ड मैन में खेला, क्या रोक पाएंगे, रोक की गई गेंद, वहां पर दो रन मिलेंगे। बल्लेबाजी के तौर पर खड़े हैं भारत जिन्होंने एक छग्गा दागा था स्क्वायर लेग के दिशा में, अभी पॉइंट के दिशा में दो रन निकाले, खूब बल्लेबाजी कर रहे अपने टीम के लिए। पटकी हुई गेंद थी, प्रयास जरूर किया था,
यहाँ पर कैच शायद ड्रॉप हो चुका है, और आयोजक करता की नाश्ता की यहां पर सुविधा की जा रही है बालू के माध्यम से। छिगेंती फाइन की दिशा में जाती हुई गेंद, फील्डर आए, फील्ड की एक ही रन लेना मिलेगा इस बल्लेबाज को, एक रन से स्कोर जा चुका है, ऊंचा लाया रन में, रन बने हैं 20। महेश जो स्ट्राइक एंड पर आए हुए गेंदबाज अथर्व, अच्छी गेंद थी और ये आया बल्ले से ताबड़तोड़ छक्का। यहां पर दो ओवर का खेल खत्म हो चुका है और दो रन बने हैं माहौल टीम के, 26 रन बने। क्या खूब बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन गवान टीम भी इतनी कमजोर टीम नहीं है, पिछले श्रृंखला के विनर है ये गवान टीम। का खेल यहां पर खत्म हो चुका, 26 रन बने, 13 के औसत से स्कोर यहां पर बनाया गया है माहौल टीम से। तीसरे गेंदबाज आएंगे अभिषेक बच्चन, अभिषेक कोहली, अभिषेक बच्चन एक फिल्म स्टार हीरो है, अभिषेक कोहली विराट कोहली। अभिषेक आएंगे गेंदबाजी करेंगे एंड से, वाइट प्लस वन यहां पर दो रनों अवंतर यहां पर मिलती हुई, एक्स्ट्रा रन यहां पर दी गई अभिषेक द्वारा, पहली गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर फेंकी थी और कीपर भी चूके, गेंद को पकड़ नहीं पाए, इसमें से मिला एक रन, एक और एक, दो रन यहां पर मिलते हुए स्कोर जा चुका है 28 रन। 12 गेंद का खेल यहां पर खत्म हो चुका है, 28 रन बने हैं। अभिषेक गेंदबाजी करेंगे स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज, धन्यवाद डीजे। दो गेंद में निकाले दो छक्के महेश द्वारा, हैट्रिक के कगार पर खड़े हैं। दो ही गेंद
खेले हैं, दो गेंद में 12 रन बनाए। तीसरी गेंद शॉर्ट ऑफ पुल थी, पुल करना चाहते थे लेकिन बैट के ऊपर नहीं आई, गेंद चली गई डॉट गेंद, यहां पर समाप्त होती हुई, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। चौतीस रन यहां पर बने हैं। फिर एक बार अभिषेक, उसी प्रकार मिड विकेट में खेलना चाहते थे, बढ़िया तरीके से बल्ला घुमाते लेकिन उतने चाणाक्ष गेंदबाज है, स्लोअर डिलीवरी की थी उन्होंने, यहां पर देखा बल्लेबाज की बैट की पोजीशन और स्लोअर की, बल्ला पहले आया गेंद बाद में चली गई, डॉट बॉल की समाप्ति। महेश दो गेंद में दो छक्के लगाए थे, बैक टू बैक दो गेंद यहां पर डॉट कराई अभिषेक द्वारा। आगे आया और ये क्या हो सकता है, फील्डिंग तैनात है फील्डर, एक ही रन से एक सिंगल को किया, डबल में कन्वर्ट, क्या रनिंग द बिटवीन, अच्छी रनिंग बिटवीन, यहां पर सिंगल ही बन पा सकता था लेकिन सिंगल को किया डबल में कन्वर्ट। एक बार यहां पर रोक पाएंगे फील्डर इसको, और यह आया चौका। इसे चार रन से स्कोर जा चुका है, रन बने हैं 40 रन, यानी कि चौथा दशक यहां पर लगा चुका है माउल गांव की टीम के बल्लेबाज। एक बार अभिषेक, मैच के लिए अभिष्टम से ज्यादा बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर ने व्हाइट करार दी, अतिरिक्त रन से स्कोर में उछाल, 41 रन बने हैं यहां पर। क्या खूब बल्लेबाजी कर रहे हैं माउल टीम से, तीसरा ओवर यहां पर तीन ओवर का खेल यहां पर खत्म हो चुका है, रन बने हैं 42 रन बने हैं, 4:27 यहां पर हो चुके हैं। अंपायर से विनती रहेगी, यहां पर 18 मिनट खर्च किए इन्होंने तीन ओवर में। कुणाल आएंगे गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर लेकर। कुणाल गेंदबाजी के लिए, महेश के लिए, केला दो रन का प्रयास से जरूर करेंगे, रोका गया था लेकिन थ्रो उतना अच्छा नहीं आया, दो रन बने, दो रन से स्कोर जाकर बना डबल चौवे में 44 रन। गेंद थी ये, दो रन मिलते हुए
अच्छी गेंद यहां पर कुणाल द्वारा की जा रही है, उड़ाने का प्रयास था और यह विकेट कीपर ने लपका यहां पर, दूसरी विकेट जाते हुए महेश आए। फुल टॉच, लोअर फुल टॉच गेंद थी लेकिन दिशा से भटकी हुई गेंद थी, व्हाइट करार दिया अंपायर सत्यम भवेर द्वारा। कल उनका जन्मदिन है 31 दिसंबर, सत्यम भवेर का जन्मदिन रहता है और बड़ी तादाद में यहाँ पर प्रेक्षक रहते हैं, ज्यादा प्रेक्षकों के साथ सेलिब्रेशन किया जाता है उनके बर्थडे का इस ग्राउंड पर। गेंद थी पॉइंट के दिशा में खेला, क्या रोक पाएंगे फील्डर कि जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन पर, रोका गया फील्डर द्वारा और ये 2 रन से ये वाइड थ्रो आया, 2+1, 1 रन तो बचाने में कामयाब हुए फील्डर। ये 2 रन से स्कोर जा चुका है, रन बने हैं 3 रन मिले यहां पर, रन बने पचास रन बने, 50 बनाए माहौल टीम के। और ये गेंद आई, क्या लपक पाएंगे और ये आउट। आखिरी इनिंग का यह शेष गेंदबाज के कोठे से आते हुए आखिरी गेंद, 50 रन बने हैं और उड़ाया 6 रन छक्का। चला माहुल संघ लवकर चला, गवन संघाला विनंती, आपण आपले बॅट घेऊन आपण इथं खुर्चीवर बसणार आहे। 4 षटकांचा खेळ संपला गेला, माहुल संघाचा इनिंग संपली गेली आणि संघाच्या धावसंख्या झाल्या 56, 57 धावांचं आव्हान म्हणजे जवळजवळ 14.25 सरासरीने वाटचाल करावी लागेल ती गवन संघाला। जर गवन संघाच्या फलंदाजीची लाईन बघितली तर नक्कीच 14 धावा पर षटकामध्ये पूर्ण करू शकतात एवढी लाईफ लाईन आहे, कारण त्यांच्यामध्ये बॅटिंग लाईन एवढी मोठी आहे की रिवर्सचा फटका म्हणजे 8 धावा फटका
चला माऊल संघ चला गवान संघ गणपती बाप्पाच गजर तो माऊल संघाने केलाय। 24 गेंदे जीत के लिए बनाना है 57 रन यानी कि 14.25 के औसत से खेलना पड़ेगा गवान टीम को। बल्लेबाज शूतेज और कुणाल, इसे शूतेज की क्या खूब बल्लेबाजी देखी थी पिछले साल हमने, हीरो थे इस श्रृंखला के, विनर दी टीम गवान। तो चलते हैं दोस्तों मैदान के ऊपर, माउली पक्ष गवान कोलीवाड़ा। गेंदबाज अंपायर से दरकार है कि अंपायर जल्दी कीजिए, राज गेंदबाजी राज लेफ्ट हैंड गेंदबाज रहेंगे। पहली गेंद यहां पर अच्छी गेंद थी कुणाल द्वारा आया छक्का। तत्पूर्वी आमच्या प्रेक्षक वर्गामध्ये दिसते पुन्हा एकदा कुणाल यांनी मारलेला चेंडू चौवा आमच्या प्रेक्षक वर्गामध्ये पुंडेगावचे जीपी क्लबचे माजी खेळाडू पांडुरंग मात्रे व त्यांच्या समवेत महेश गरत आपल्याला आपले मित्र पप्पू तसेच हरिश्चंद्र मात्रे आपण यायचं आहे स्टेजवर। गेंद थी डॉट बॉल की समाप्ति यहाँ पर, तर आपले मित्र परम मित्र पप्पू आपल्याला बोलत आहे पांडुरंग मात्रे आणि महेश गरद आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचं। तत्पूर्वी आमच्या समालोचन कक्षामध्ये हरिश्चंद्र मात्रे यांचं आगमन झालंय, तर मी विशांक याला विनंती करतो की आपण त्यांना सन्मानित करायचं आहे। हरिश्चंद्र मात्रे शाल व पुष्पच्छ देऊन आपण त्यांना सन्मानित करायचंय या धन्यवाद आपण आलात। फिर एक बार फुल टॉस गेंद दिलोड़ी है क्या छोटा सकता है कि गेंद फील्डर पर आ चुके और ये एक ने दिया दूसरे के हाथ में और कुणाल आया आउट होकर आ रहा वापिस।
एक ओवर का खेल यहां पर खत्म हो चुका है, रन बने हैं 10, 14 पॉइंट 25 की औसत थी लेकिन नहीं बना पाए। एक विकेट यहां से कुणाल आए बैक टू पवेलियन, रन बने हैं 10, यानी कि आने वाले 18 गेंद और जीत के लिए 47 रनों की जरूरत रहेगी, यानी कि रन बनाने हैं अभी 16 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे। नए गेंदबाज आए भाई, स्ट्राइक एंड पर रहेंगे बल्लेबाज आकाश, प्रकाश, प्रकाश को दिखाना पड़ेगा गेंद को आकाश के, लगा पाएंगे बड़े हिट, बड़े हिट लगाने पड़ेंगे क्योंकि 16 रन चाहिए हर एक ओवर से। गेंदबाज है भावेश, 18 गेंदे 47 रनों की जरूरत यहां पर। प्रकाश एक बड़े कद के खिलाड़ी दिख रहे हैं, एक्रॉस आते हुए ब्लॉक होल की गेंद थी, ऑफ स्टंप में ब्लॉक किया था, डॉट बॉल की समाप्ति। 17 गेंदे 47 रनों की जरूरत, यानी कि गेंद और रनों में फासला देखा जाएगा तो 30 रनों का फैसला तय करना है गवान के बल्लेबाजों को। एक बार फुल टॉस गेंद थी, अच्छी फील्डिंग वहां पर, क्या असर दिखाया इस फील्डर ने, 3 रन रोके आखिरी समय में, देखा गेंद उछाल ली, एक जंप लगाकर बॉल को रोका गया और एक गेंद से मिलेंगे एक ही रन। आने वाली 16 गेंदे 46 रनों का लक्ष्य 46 रन बनाने हैं जीत के लिए। पहली मरतबा स्ट्राइक लेंगे सलामी बल्लेबाज शिव तेज आए थे, पिछले साल में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी इन्होंने यहां पर। भावेश, ओ क्या गेंद थी, बढ़िया स्पीड तक, क्या स्पीड में गेंदबाजी करते हैं। पंद्रह गेंदे 46 रनों का औसत, 46 रन बनाने हैं 15 गेंदों में। अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल करने का प्रयास, कुछ नहीं कर पाए बल्लेबाज, यहां पर रोका गया, एक ही रन आया इस गेंद से। बारह रन बने हैं, अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद, डॉट बॉल की समाप्ति, क्या खूब गेंदबाजी भावेश द्वारा, रोक के रखा शीतेश को और प्रकाश को, 5 गेंद भी फेंके, 5 गेंदों में 3 गेंदे डॉट पे की। पांच गेंदे में 3 गेंदे डॉट पे की, क्या लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर एक बार एक्रॉस आए, बैट का अंदरी किनारा लेकर गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग के दिशा में, फील्डर वहां पर आए, विकेट कीपर रोका, यानी कि अच्छे ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में आए 10 रन, दूसरे ओवर में आए 3 रन। महेश, अच्छी गेंद है, वाइट थी, अंपायर ने परखा, 12 गेंद है और जीत के लिए बनाने 43 रन, 14 रन बने हैं अभी तक 12 गेंदों में। क्या बैकअप दिया भावेश ने, 3 ही रन दिए थे उन्होंने पिछले ओवर में। फिर एक बार आया ये छक्का, कोई नहीं रोक पाएगा, क्या बढ़िया स्ट्रोक। मला
एक बार फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑन के दिशा में आती हुई गेंद फील्ड की, एक ही रन मिलेगा। शिवपुष कुछ करिश्मा कर नहीं पा रहे हैं, उनके बल्ले से अभी तक दो ही रन आए हैं। बढ़िया बढ़िया हिट नहीं दिखा पा रहे, अपना हुनर नहीं दिखा पा रहे। महेश मांड्या गेंदबाजी करेंगे। फुल टॉस गेंद थी, निश्चित रूप से आएगा चौवा। अच्छी गेंद थी, फाइन किया, फील्डर तैनात है, रोक पाएंगे, रोक लिया। एक ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट यहाँ पर। रन बने 26, 31 रनों की दरकार रहेगी जीत के लिए। सात गेंदे, आठ गेंदे 31 रन, आठ गेंदे 31 रनों की जरूरत। अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल करने का प्रयास था, एफर्ट दिखाया, स्टेयर नहीं कर पाए। एक रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। सात गेंदे 30 की जरूरत, सात गेंदे 30 रनों की जरूरत, 30 रन सात गेंदे। शिरको के मैनेजर डायरेक्टिंग जाते हुए पप्पू। मैन ऑफ द सीरीज की बाइक है जीनियस यामा। चिगेन थी, क्या बढ़िया स्ट्रोक, वाह भाई वाह, लाजवाब स्ट्रोक। धन्यवाद विजय, जुनियर जीपी क्लब दोगे दिन या पाण्याची गरज आहे। वापिस आए मुकाबले में, शिवतेज ने एक छक्का दागा आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के दिशा में, यानी कि 31 रनों की जरूरत थी सात गेंदों में, अभी चाहे छह गेंदों में 24 रन, चार छक्के लगाने पड़ेंगे। छक्के लगाने में तो माहिर है, प्रकाश ने भी एक छक्का दागा है, शिवतेज ने भी एक छक्का दागा है, अभी इस ओर से छह गेंद में चार छक्के दागने हैं, 24 रनों की दरकार रहेगी। गेंदबाज होंगे भरत, भरत आए परत। छह गेंदे 24 रन, गेंदबाजी के लिए आए भारत। भरत क्या दिखाएंगे परत अपने टीम को। प्रकाश छह गेंद थी, एक ही रन लेंगे, कोई इसमें डाउट नहीं, एक ही रन लेंगे क्योंकि शिवतेज अपने पास से स्ट्राइक रखेंगे। पांच गेंदे 23 रनों की जरूरत, और मैं गवान के कप्तान से कहना चाहूंगा कि 23 कंपल्सरी चेसिंग है, यानी कि अगर आपको है तो पांच गेंदों में चार लगाने पड़ेंगे। एक बार
रहे हेलो डॉट गेंद की समाप्ति चार गेंदे 23 रनों की जरूरत चार गेंदे चार छक्के स्लोवर गेंद भी और छक्का तीन गेंदे 17 रनों की जरूरत ये आया चौवा अगर लेते थे उस गेंद पर एक रन तो दो गेंद में चाहिए 13 रन जीतने के लिए ओके धन्यवाद जाता बाजूला था पाहिजे ना खंबा बाजूला था मग खंबातच भेटेल तिथे जा डिजिटल जा चाहिए 9 रनों की जरूरत एक गेंद 9 रन और चौवा 5 रन से हारे चला पड़गे संघाचा संघ ने किया